दैट विल मेक इट क्लियर। आप लोग बहस कर रहे हैं ना, तैयार है ना, तो फिर यस मैम जी शुरू करिए, जी मैं बता बात शुरू करिए। जी मैं बता रहा हूँ, इनकी लीज कैंसिल हो गई क्या उसके बाद? नहीं है ही नहीं, he doesn't have any lease sir, wahi hai application was made. ek minute just wait, please let me complete it. This is not the way to argue the matter before the high court. When I am asking you some question, you are not answering. No, I am answering. If you are not willing to hear this matter, please either you adjourn. Mr. Verma, this is not proper. No, this is not fair. Mr. Verma, no, you aapka ye jo prejudice hamare against me hai, this is I am observing. I am not happy. I am not happy. Well, Lord, in this matter the dispute is with regard to grant of a lease. Lord, the lease was granted in our favor way back in 1989 for a period of 3 years, and since then Lord, this we are continued in possession. Thereafter Lord, we entered into a compromise with the respondent in a partnership with the respondent number 4, Lord, the for the purpose of running a business in that premises. Only for that purpose that document we have filed. Immediately after that Lord, he moved an application respondent number 4 that this lease be allotted in his favor. Lord, the Najul officer gave a report in his favor, and thereafter matter was placed before the collector. I'm not collector. इस चीज की लीज थी ये? लीज इसमें एक दुकान के लिए, दुकान के लिए जी। उसकी टर्म्स, ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? से पार्टनरशिप करना अलाउड है क्या? नो, दैट इज नॉट दैट, ऑफ कोर्स वो लीज आपकी वैसे ही निरस्त हो जाएगी। नहीं, आप किसको अलॉट करना है ये कलेक्टर? नहीं, वो उन्होंने ऑब्जर्व, दैट दैट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द कलेक्टर। भाई, वंस यू हैव एडमिटेडली वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज सर, कैंसिलेशन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी एल्स फॉर अ पार्टनरशिप, एंड व्हाट इज योर लोकस? ये पार्टनरशिप हमारी बिजनेस के लिए थी। अरे भाई जी, पढ़े उस पार्टनरशिप को, पढ़े पहले लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। नहीं, इसमें सर ये मैं बता दूं कि ये डिस्प्यूट इस ग्राउंड के ऊपर नहीं, कैंसिलेशन इज नॉट ऑन दिस ग्राउंड। जी लॉर्ड, ही सबमिटेड एन एप्लीकेशन, ही मे हैव, नहीं, उसका कलेक्टर हैज डिसाइडेड इन माय फेवर। नाउ द मैटर वेंट अप टू द अपील एंड द कमिश्नर हैज डिसाइडेड अगेंस्ट अस, सो दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज इन दिस मैटर। पढ़िए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज, पढ़िए पहले। जी, इसमें है ये नंबर, ये सर इन्हें टैली कर दे, एक मिनट सर, ये P1 पढ़िए जी। P1 का इसका सर टाइप कॉपी देख लें, नेक्स्ट पेज पे लगेगी जी। जी, ये कंप्लीट नहीं है, लीज डीड कंप्लीट नहीं लगाई है आपने सर। इसमें ये पहला पेज है, इसके बाद में फिर पीछे आके इसके ऊपर उन्होंने इसी पेज पे ये मेंशन कर दिया कि आपको कौन से लीज है, कितने एरिया। नहीं, इसमें इसमें क्योंकि इस पे जो है माय लॉर्ड, जो जहां तक ये सवाल इस लीज का है माय लॉर्ड, ये 1992 में ये लीज जो है वो खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद ये 2014 तक मतलब लगातार ये इलीगल पोजेशन में थे, इन्होंने कभी रिन्यू नहीं, रिन्यू कभी किया ही नहीं। इनका जो ग्राउंड वन में इन्होंने लिखे हुए हैं वो कम्प्लीटली फॉल्स है कि उन्होंने लगातार रिन्यू करते रहे हैं, और रिन्यू करने के बाद उन्होंने नजूल को पेमेंट भी किया है, ये सारी चीजें जो है फॉल्स है। इसके अलावा माय लॉर्ड, 2014 में जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 है, इन्होंने वहां से अपनी लीज टेम्पररी लीज के लिए अप्लाई किया, और कलेक्टर ने ही इसकी लीज जो है उनको ग्रांट कर दी थी। उसके बाद माय लॉर्ड, कलेक्टर ने क्या कहते हैं, अपने खुद के ऑर्डर को विदाउट द परमिशन ऑफ कमिश्नर खुद को रिवर्स भी कर लिया ऑटोमेटिकली। मतलब उसको अगर इफ ही वांटेड टू रिवर्स इट, ही हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द फैक्ट्स। अगर हम कलेक्टर का ऑर्डर पढ़ेंगे कुछ पैराग्राफ, तो दैट विल मेक इट क्लियर। आप लोग बहस नहीं कर रहे हैं ना, तैयार है ना, तो फिर यस मैम जी शुरू करिए। जी मैं बता रहा हूं, शुरू करिए। जी मैं बता रहा हूं सर, ये लीज डीड है, उसके बाद में एनेक्सर P2 जी, एनेक्सर P करने लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको चांस मिलेगा, आप अपनी बात पूरी कहिएगा, ठीक है, स्टेट को सुनेंगे जी। जी, यह कि पक्षकार क्रमांक 1 राजकुमार चक्रवर्ती जी, 2013 में आपके पास में रिन्यूअल का ऑर्डर कहाँ है? नहीं, रिन्यूअल का ऑर्डर जी 92 तक के लिए टेम्पररी लीज थी जी, उसके बाद में रिन्यूअल हुए। हाँ, फिर मैंने एप्लीकेशन दी, तो कलेक्टर हैज पास दिस ऑर्डर। वेयर इज दैट ऑर्डर? वो यही तो है, नेक्स्ट P6 जो है सर, P6 जी, ये दिस इज एन एक्शन P17, आई एम सॉरी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर एट पेज 57 जी। क्या कहा कलेक्टर? ए वेरी डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव ऑर्डर हैज बीन पास। सर, इसके पहले का थोड़ा सा आप जरा सुन लें, दैट विल मेक इट क्लियर कि ये कंट्रोवर्सी आई कैसे जी। इसमें सर, जो अभी मैं रेफर कर रहा था P2, कि इसके बाद में इन्होंने इसके बेस पे एप्लीकेशन सबमिट करी है, तो वो देखिए इसमें लगा हुआ है एनेक्स P4,
ये एग्रीमेंट की डेट देखें जो हमारे उनके बीच में बनी, ये एग्रीमेंट की डेट है जो ऊपर टॉप पे है जिसमें काइंडली नोटेड 25/11/2013 और इनेक्शन P3 एट पेज 22 25/11/13 के बाद में सीधा 25/3/14 को इन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि साहब अब ये हमारे नाम पे अलॉट कर दी जाए इमीडिएटली आफ्टर दैट विदाउट हैविंग एनी राइट। अब इसके बेस पे ये इनेक्शन P4 है, ये 20/7/14 का नजूल अधिकारी सिवनी का प्रतिवेदन है और उन्होंने कहा सर कि प्रतिवेदन के हिसाब से कि ये पैसा जमा करते हैं द लास्ट पोर्शन ऑफ दैट पेज 24 कंडे का 33/7 के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम और अर्थदंड आरोपित किया जाकर आवेदित नजूल भूमि ब्लॉक नंबर 600 के रकवा नंबर 600 अस्थायी पट्टा पर विजय कुमार ताम्रकार आत्मा 600 पृथ्वीराज चौहान इतनता पर के नाम पर वार्षिक भूभाटक 6032 रुपए की अवधि 1/4/14 से 31/15 तक के लिए अस्थायी पट्टा स्वीकृत नवीनीकृत किए जाना उचित होता ही रिकमेंडेड। देन दिस मैटर वॉज प्लेस बिफोर द कलेक्टर इन एक्शन P5 एंड कलेक्टर पास ऑर्डर। जी कलेक्टर के भी सब इसमें देख लेंगे, लास्ट के पैरा 2 है पैराग्राफ 5 में उसकी लास्ट की शर्त का उल्लंघन करने के कारण राजस्व परिपत्र 4(1)(32) 33/7 के अतिक्रमण किए जाने के कारण अतिरिक्त प्रीमियम राशि 5,000 एवं अर्थदंड 5,000 रुपए शासकीय कोष में जमा करने की शर्त पर आवेदक विजय कुमार पिता राम गोपाल ताम्रकार निवासी पृथ्वीराज चौहान सिवनी के वार्षिक भूभाटक 600 नजूल स्टेशन नंबर 600 इतना रकवा 450 की भूमि अवधि 1/4/14 से 31/3/15 तक 15 तक 1 वर्ष के लिए अस्थायी पट्टा नवीनकर स्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदक वर्ष 2014-15 के लिए प्रश्नाधीन भूमि प्रीमियम एवं अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा कराने के पश्चात पट्टा तैयार कर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नजूल अधिकारी सिवनी को अग्रेषित है, ये उन्होंने भेजा। इसके बाद में सर वी रेज्ड एन ऑब्जेक्शन दैट इज इनेक्शन P6। ये हमने कलेक्टर के सामने इमीडिएटली एज सून एज वी केम टू नो दैट ही हैज अप्लाइड फॉर ग्रांट ऑफ लीज सो वी सबमिटेड एन ऑब्जेक्शन लॉट ऑन 20/10/2014 जी और हमने कहा कि साहब ये तो हमको पट्टा हुआ था उसके बाद में हमारा रिन्यू नहीं हुआ तो हमारा भी रिन्यू कर दिया जाए बट ही इज हैविंग नो राइट एट ऑल फॉर द ग्रांट ऑफ द लीज। तो उसके बेस पे सर इनेक्शन P7 लगा है, ये 20/10/2014 का है, कलेक्टर का ऑर्डर है जिसमें सही लिखा है 20/10/14 को आवेदक आपत्तिकर्ता राजकुमार पिता 600 पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवार निवासी सिंधी कॉलोनी सिवनी द्वारा इस कार्यालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि नगर सिवनी के ब्लॉक नंबर 46 प्लॉट नंबर 600 में उसे अस्थायी पट्टा 92 में अस्थायी पट्टे प्रदान की गई थी और वह प्रश्नाधीन नजूल भूमि पर दुकान निर्माण किसने लगाया था ये सर इन्होंने ये विजय कुमार रेस्पॉन्ड नंबर 4 ने। जी नहीं पढ़ी इसको नहीं इन्हीं ने लगाया था सर वो ऊपर उन्होंने कॉस्ट टाइटल बड़ी कंफ्यूजिंग लिखी है इसमें उन्होंने क्या कर दिया सर आवेदक उसको बना दिया क्योंकि 39(1)(2) उसकी है और फिर प्रतिवादी लिखा है और फिर प्रति दावाकर्ता लिखा है और फिर उसमें नीचे हमारा ये विजय कुमार ताम्रकार को उन्होंने ये कर दिया अनावेदक वादी तो मतलब वादी विजय कुमार ताम्रकार ही है। एक्चुअली उन्हें लिखना वैसे ही चाहिए वादी प्रतिवादी पर उन्होंने एप्लीकेशन के हिसाब से इसको वैसा लिखा और ये 14 अक्टूबर 2022 का जमा करा विदाउट रिव्यूइंग दिस ऑर्डर विदाउट टेकिंग कॉन्करेंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिव्यू दिस ऑर्डर कलेक्टर पास ऑर्डर contained in annexure P70 because the this is the only reason. Yes, I understood. If you have understood, then please answer that legal question in a legal manner. वही तो मैं कह रहा हूँ कि there was no order of allotment. वो उन्होंने he conducted an inquiry thereafter on my objection because this decision was taken behind my back. So I raised an objection. That objection was considered. This order could have been challenged before the superior authority by you. But the collector could not have reviewed. This is what he is raising an objection. Collector, once this order was passed, ata avedak ko vash 14-15 ke liye prashnadin nazul bhumi premium evam arthadand rashi shaski kosh mein jama karaye jane ke pashchat पट्टा तैयार कर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नजूल अधिकारी सिवनी की ओर प्रेषित उसके बाद ऑर्डर कब हुआ कलेक्टर का मतलब ये कलेक्टर 9/9/2014 का ऑर्डर है जिसमें लीज ग्रांट की गई दैट इज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर उसके बाद दोनों पक्षकारों ने फिर एप्लीकेशन लगाई सर ये भी तो है ना दैट वाज लीज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर ठीक है उसके बाद दोनों ने लगाई कलेक्टर फिर हाईकोर्ट आए इनकी लीज कैंसिल हो गई क्या उसके बाद नहीं है ही नहीं
he doesn't have any lease. Sir, वही है. Application was made. एक मिनट, just please let me complete. This is not the way to argue the matter before the High Court. When I am asking you some question, you are not answering. No, I am answering. I am answering. If you are not willing to hear this matter, please either you. Mr. Verma, this is not. No, no, this is not fair. Mr. Verma, नहीं, you आपका ये जो prejudice हमारे against में है, this is I am observing. I am not happy. I'm not happy. If you are not satisfied with my arguments, please either you. You answer my query. I'm saying. You have not answered. I have asked you twice. He is disturbing the court as also to me also. I already told him not to disturb you. Is it the way to argue the matter before the High Court? Whether I told him in the first instance or not that he should not disturb you. Despite that, he is doing all this. So if he is disturbing, then I'll take care of that. When I'm asking you a specific legal question. I have already answered and I'm reading that order, copy of the order. Please go through that order. That will make it clear. Which order? Order of the collector as a whole, I will read it. Right from paragraph 17. आप पढ़िए please. जी. उसके बाद में your lordship में pass an order. जी, ठीक है. And now you will not interrupt. आप 15 मिनट में अपना argument पूरा करिए. जी, पढ़िए. If possible, I will do it. जी. And if it is not possible, then I will continue it. पढ़िए. जी. Paragraph 17. जी. प्रकरण में उपरोक्त एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन तरलोकन परिशीलन पर प्रमुख रूप से यह पाया जाता है कि आपत्तिकर्ता अस्थाई पट्टेदार राजकुमार चक्रानी पिता सोनसो को नजूल प्रकरण नंबर सोनसो में नजूल पेज 26 बतला का जिसमें हाईकोर्ट ने ये सिर्फ यही कहा है कि रेस्पोंडेंट्स हैव अलॉटेड अ टेंपरेरी पट्टा विद द एप्लीकेशंस लॉर्डशिप काइंडली कम टू पेज 56 जी द लास्ट पैराग्राफ जी द कलेक्टर्स यूनिट विल कंटिन्यू आफ्टर लंच